होती है मोगली। हर जरूरी चीज का इंतजाम होता है। जंगल के पेड़ों से खाना मिलता है, नदियों से पानी और ए, बक बक बंद करो दोनों, दिखाई नहीं देता मैं यहाँ लेसन दे रहा हूँ। खबरदार जो मुझसे बदतमीजी की तो। ओ, चलो माफी मांग लेते हैं। बहुत जोर से लग गई क्या? थोड़ा पानी पी लो बलू। हुआ क्या था? ओह, ये ताज, मतलब मैं राजा हूँ। अरे हाँ, इस जंगल का राजा, मैं ये बात कैसे भूल सकता हूँ। बलू, अभी अभी बंदरों ने तुम्हें खोपड़ी पर मारा। बलू नहीं, राजा जी कहकर बात करो। अब तो तुम कहोगे मुझे राजगद्दी भी चाहिए। अरे वो तो पहले से ही है ना। नहीं तो मेरे साथ आओ, मैं दिखाता हूँ। मेरे पीछे आओ। इसका दिमाग फिर गया है मोगली, मैं इसके पागलपन में शामिल नहीं होने वाला। टेंशन मत लो, जल्दी अपने बलू जी होश में आ जाएंगे, तब तक हम भी थोड़े मजे ले लेते हैं। हाँ तो राजा जी, पेश है आपकी शाही राजगद्दी। बहुत सुंदर। बलू, बुढ़ापे में ऐसा मजाक जचता नहीं है। सुनो, राजा जी को भूख लगी है, मेरे लिए फल लेकर आओ और शहद भी। राजा के लिए काम करो और जिंदगी भर के लिए खुश रहो। बलू का ये पागलपन अब मेरी बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। मेरा थोड़ा तो साथ दो ना बघीरा, बलू अभी होश में नहीं है, अगर हमने उसकी बात नहीं मानी तो वो और गुस्सा हो सकता है। लीजिए राजा जी, मैं आपके लिए लाया हूँ जंगल का सबसे स्वादिष्ट भोजन। आपके लिए बिल्कुल ताजा फल है राजा जी। अब वक्त है मेरी प्यारी जनता से मिलने का। मंत्रियों, मेरे पीछे आओ। ये है मेरी उड़ने वाली जनता। समझ गया, ये हमें अपना शहद देकर राजा जी को खुश करना चाहती हैं। वाह वाह, क्या बात है, ये तो हमारे गले मिलना चाहती हैं। लगता है राजघराने से आए लोगों का स्वागत करने को तैयार। अब यहां से आगे बढ़ते हैं राजा जी। ओ, देखो तो, ये है मेरी छुटकी जनता। देखना, एक दिन इसे गर्व होगा कि इसे राजा जी ने प्यार किया था। ओए, मुझे छोड़ दे वरना पापा से शिकायत करूंगा। मेरे बेटे के साथ क्या कर रहे हो? नीचे रखो उसे। यहाँ से आगे बढ़ते हैं राजा जी। और बलू तो अपने आप ही राजा बन बैठा है, और वो मोगली और बघीरा उसके चमचे बने फिर रहे हैं। बड़ी अजीब बात है, क्यों? और क्या, तो मुझे एक हड्डी मिल सकती है शेर खान? अभी नहीं, पहले हमें हालात का फायदा उठाना होगा। जाओ और खबर लेकर आओ। बलू को हम कब तक मुसीबत से बचाते रहेंगे? हमें कुछ तो करना ही होगा। लेकिन क्या? क्यों ना हम उसे सचमुच डराए, इतना कि उसके पसीने छूट जाए और उस सदमे से वो दोबारा पहले जैसा बलू बन जाए। ठीक है, पर बलू को इतना डर किससे लगेगा? शेर खान। तो आज शाम को हम बलू से कहेंगे उसके राजा बनने से शेर खान बहुत गुस्से में है और वो बलू को जंग के लिए चुनौती देना चाहता है। हाँ, मौत की जंग। और देख लेना, बलू को इससे झटका लगना ही लगना है और फिर से नॉर्मल हो जाएगा। वो बलू से कहेंगे कि तुम उससे लड़ना चाहते हो। प्लान तो बहुत अच्छा है, क्यों ना इससे सच करते। मैं उसे चुनौती देने जाऊंगा
एक बार उसका सफाया हो जाए तो मेरा शिकार इंसानी बच्चा आसानी से हाथ आ सकता है। ओ, तुमने क्या दिमाग पाया है शेर खान, बड़े शातिर हो शैतानों के दादा। बलू को मेरी ओर से चुनौती दे दो, देखते हैं कौन है जंगल का असली राजा। और शेर खान ने तुम्हें चुनौती दी है मौत की जंग की। और नहीं तो क्या, शेर खान ने कहा सुबह होते ही उस पहाड़ी के ऊपर मिलना। क्या? वो कह रहा था कि इस ढोंगी राजा को सबक सिखाना जरूरी है। क्या कहा? मैं कोई ढोंगी नहीं हूँ, मैं जंगल का राजा हूँ। और वो मेरी गद्दी छीनना चाहता है, कह दो उसे मैं कल सुबह उसे जरूर मिलूंगा। ये तो और बड़ी मुसीबत हो गई, कुछ ना कुछ तो सोचना ही होगा। इंसानी बच्चे, तुम यहाँ कैसे? मैं खुद को तुम्हें सौंपने आया हूँ। अगर तुम बलू से लड़ाई हारने का नाटक करोगे तो तुम बदले में मुझे खा सकते हो। ये भी खूब कहा तुमने, मुझे मंजूर है, पर अपने वादे से मुकरना नहीं। तुम चाहते हो मैं वहाँ अंदर जाऊँ? जब तक मैं वापस नहीं आ जाता। और पहली बार तूने अपनी मर्जी से कुछ किया, वो भी बढ़िया। शेर खान पर कभी भरोसा मत करना इंसानी बच्चे, पहले मैं तेरे दोस्त बलू को मारूंगा, फिर आकर तुझे चट करूंगा। समझ में नहीं आ रहा ये मोगली कहाँ चला गया। सुनिए राजा जी, क्या आप पक्का शेर खान से लड़ना चाहेंगे? हम एक राजा हैं और अपने वचन से पीछे नहीं हटते। हाँ, ओ तू आ गया नकली राजा, आ जा मैदान में। राजा तो बड़ा कमजोर लग रहा है। नहीं, रुक जाओ। रुक जाओ, पर क्यों? मोगली, वो पहले उसे भी आने दो। उसकी फिक्र छोड़ो, उसे मैंने महफूज जगह रखा है। पर तैयार हो जाओ अपनी प्रजा को अलविदा कहने राजा जी। तूने बड़ी गलती कर दी इंसानी बच्चे, इसकी कीमत तो तुझे चुकानी ही होगी। मेरा सर, अरे ये क्या हो रहा है? चलो अब छोड़ दो। पर हम शेर खान से लड़ क्यों रहे थे? अरे वाह वाह, तो तुम फिर से पहले वाले बलू बन गए। पहले वाला? तुम खुद को जंगल का राजा मान रहे थे बलू, सिर पे देखो। वैसे एक बात कहनी पड़ेगी, राजा बनना उतना मजेदार नहीं जितना सोचा था। शेर खान, मेरे लिए तुम एक भी हड्डी नहीं लाए। हाँ नहीं,
तू तो सिर्फ जंगल का कीड़ा है और मैं हूँ इस जंगल का शहंशाह। क्या बात है नन्ही दोस्तों, तुम्हें अभी भी अपने दोस्त मोगली से डर लग रहा है? मोगली, बलू की क्लास शुरू होने वाली है। हाँ हाँ होने दो। तुम नहीं जाओगे तो बलू किसे पढ़ाएगा? बगीरा आज लेसन लेने का मन नहीं है। क्यों ना तुम बलू की क्लास ले लो, उसे एक मुश्किल सा सवाल पूछ लो, ऐसा सवाल जिसका वो घंटों सोचने पर भी जवाब ना दे पाए, और जब वो जवाब सोचने में खोया होगा तुम खेलने निकल जाना। ओए होए, क्या आइडिया दिया है बगीरा। देखो मोगली, इस बात में कोई दो राय नहीं कि इंसान दुनिया का सबसे अकलमंद जीव है। कब पूछोगे मोगली? एक सवाल पूछूं बलू? बोलो। ये बताओ, नारियल के पेड़ में आज तक कुल मिलाकर कितने नारियल लगे होंगे? 200। शायद ये आसान था मोगली। बलू, सबसे लंबे मेल जिराफ की हाइट कितनी होगी? 6 मीटर या 20 फुट, अब तुम जिसमें भी नापना चाहो। अरे यार, कोई मुश्किल सा सवाल पूछो ना। अच्छा अब ये बताओ, एक पाइथन एक बार में कितने बंदर निकल सकता है? ये जबरदस्त सवाल पूछा तुमने। बहुत खूब। देखो, आम तौर पे एक पाइथन 5 मीटर लंबा होता है और एक बंदर की ऊंचाई तकरीबन 0.5 मीटर होती है, तो अंदाजा लगा लो कि ताकि यहाँ से खिसकने का बहाना मिले। क्यों ना इस सवाल का जवाब मैं खुद ढूंढ कर आऊं बलू। क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम अपने इस सवाल का जवाब ढूंढने कहाँ जाओगे मोगली? अब मैं जिस पाइथन को जानता हूँ उसी से पूछूंगा ना। हाँ, अब अगर मैं दरियाई घोड़े का हिसाब लगाऊं तो उसके पेट में 6 बंदर आराम से आ जाते हैं और एक पाइथन के पेट में 6 बंदर का। पर मेरी मॉर्निंग गुड नहीं है। ओ, समझ सकता हूँ, केचुली बदलने में दर्द होता होगा ना। खुजली कर करके खुजुमल बन गया हूँ। कब बंद होगी ये खुजली? का पता है तुम बिजी हो, पर ये बताओ एक बार में कोई पाइथन कितने बंदर निकल सकता है? खुजली से कम परेशान हो जो तू चला आया इंसानी बच्चे। ओ, बता भी दो का, तुम एक पाइथन हो, तुम्हें तो पता होना चाहिए ना। मुझे तो सब कुछ पता है समझे, बस अभी फालतू की बात करने का मूड नहीं है। अगर जवाब दोगे तो मैं तुम्हारी खुजली कर सकता हूँ। टप्पा हो जा। का तो खुजली से परेशान था। वही तो, लगता है तुम गलत वक्त पर पहुँच गए। क्यों ना जंगल के बंदरों से ये सवाल पूछ लिया जाए। तुम्हें उन बंदरों के नजदीक जाने की जरूरत नहीं है मोगली। उनसे डरने की क्या जरूरत है, वो तो शेर खान के नाखून के बराबर भी खतरनाक नहीं है। वो बंदर बहुत ही शैतान है, वो तुम्हें किसी भी तरह परेशान करेंगे। मुझे नहीं लगता तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। ठीक है बगीरा, तुम जैसा कहो। तो ठीक है, मैं बलू के पास जाता हूँ। हाँ, उसी से पूछ लो मोगली। बाद में मिलते हैं बगीरा। मुश्किल सवाल है क्या? डार्जी, मुश्किल? मेरा तो सिर चकरा रहा है। मोगली कहाँ है? ओह, वो तो इसी सवाल का जवाब पूछने का से मिलने गया है, पर उसे गए काफी वक्त हो गया। का? वो तो आज केंचुले निकाल रहा है। सच में? फिर तो मुझे मोगली को ढूंढने जाना ही चाहिए। इंसानी बच्चा आ रहा है। खिंचाई करें उसकी। हाँ हाँ, पकड़ लेते हैं। वाह, बहुत दिनों बाद बात आया। मैं तो यहाँ सिर्फ बगीरा सही कह रहा था, मुझे तुम बंदरों से दूर ही रहना चाहिए था। हमारे साथ आओ मोगली, तुम्हें कुछ दिखाना। अच्छा ये तो बता दो, एक बार में एक पाइथन कितने बंदरों को निकल सकता है? तो सुनो, तुम्हें तुम्हारे सवाल का सही जवाब मिलेगा इस कमरे में। अरे नहीं नहीं नहीं, मेरा सवाल इतना भी जरूरी नहीं कि मैं अंदर जाऊं। अगर तुम लोग नहीं बता सकते तो कोई बात नहीं, मैं अंदर जाऊंगा।
एक बंदर इंसान से ज्यादा समझदार होता है। मुझे बाहर आने दो। तुम समझदार नहीं, तुम सब धोखेबाज बंदर हो। तमीज नाम की तो कोई चीज नहीं है तुम्हें। चलो बताओ, इस इंसान के बच्चे को कितने दिन बंद रखना चाहिए? मेरे ख्याल से 2 दिन। अरे नहीं, इतने दिन नहीं, मैं तो बोर हो जाऊंगा। या हो सकता है इस मोगली की आवाज सुन के कान पक जाए। मुझे बंद हो गए बरखुरदार, वो भी अकेले। अच्छा मौका है शेर खान। आज सब मुझे ही परेशान क्यों कर रहे हैं? पहले मोगली आया, अब तुम आए। अच्छा, तो मोगली आया था ना, तो तुमने उसे सवाल का जवाब दिया का? मोड़ नहीं था, इसीलिए भगा दिया उसे। ये तो बहुत गलत किया का, वो पूरे दिन से गायब है। तो मुझे क्यों बता रहे हो? मैं क्या उसकी माँ हूँ? सुनो बलू, मैंने अभी अभी बघीरा को पुराने खंडरों के पास देखा, वो भी मोगली को ढूंढ रहा था। अब देखना, कहेंगे सब मेरी गलती है। शेरखान, कहां तक भागेगा चूसे, खाऊंगा तेरे सारे पुर्जे। कुछ तो सोचो, आखिर मोगली कहां जा सकता है बघीरा? उसने मुझसे कहा वो यहीं वापस आएगा। वो दिन भर से गायब है, आखिरी बार उसे का की गुफा में देखा गया था। हा? मुझे नहीं लगता वो वहां, कहीं उन्होंने उसे। किन्होंने? किसे? ये क्या बड़बड़ा रहे हो बघीरा? मोगली ने कहा था वो बंदरों से पूछेगा, और मैंने उसे जाने से मना भी किया था। अगर वो इंसानी बच्चा सच में उन बंदरों के इलाके में गया है तो उसकी मदद करनी होगी। पहले तो तुमने उसे धुतकार दिया था ना का? अब मदद चाहते हो या नहीं? तुम ही ये कर सकते हो का? तो अब समय बर्बाद मत करो। आज इन बंदर और शेर खान के बीच तो मैं बुरी तरह फंस गया। बस एक ही तरीका है, कोशिश करके देख मोगली। यहाँ तो कहीं नहीं दिख रहा, और ना ही वो बंदर। देखो शेरखान ने उसे कहाँ पहुंचा दिया। हेलो बंदरों, इस बार बचने के लिए न आग है न पानी। शुक्रिया का। मेरा खाना मेरे हवाले कर बदबूदार सांप। आगे बढ़ने से पहले मुझसे निपटना होगा, आ जाओ। और मुझसे भी शेर खान। हर बार मेरे मंसूबों पर पानी फेर देते हो। वो दिन जरूर आएगा जब वो मेरा होगा। एक बार फिर तुमने मेरी जान बचाई दोस्तों। मैंने मना किया था ना मोगली। माफ करना बघीरा, अब पता चला तुम यहाँ आने के लिए मना क्यों कर रहे थे। तो बलू बताओ, मैंने तुमसे कौन सा सवाल पूछा था? वो तुमने पूछा था कि
एक बार में पाइथन कितने बंदर निगल जाता है? जवाब है पाइथन को जितनी भूख लगी होगी।